बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी के बयानों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को बीजेपी नेताओं ने साफ कहा कि चिराग पासवान की बातों से बिहार में भ्रम पैदा हो रहा है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का नाम लेकर वो बिहार के वोटरों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने तो उधर बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर एलजेपी को वोट कटवा पार्टी करार दिया। दूसरी ओर चिराग पासवान की बयानबाजी जारी रही। एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, मुझे उनकी तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं, कोई मेरा सीना चीर कर देख ले, मैं मोदी के साथ था, हूँ और रहूंगा। बिहार में बीजेपी और एलजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और तलब है कि इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि एलजेपी बीजेपी को फायदा पहुंचाने और जेडीयू को नुकसान करने के लिए अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी लगातार इसका खंडन करती आ रही है। पार्टी नेताओं को अब महसूस हो रहा है कि चिराग की बयानबाजी से वोटरों में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो भी कल परसों मैं रिलीज कर रहा हूँ, कहीं पर दिखा दीजिए जहाँ पर मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं, बट हाँ, तस्वीर लगाने की जरूरत मेरे मुख्यमंत्री को जरूर है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी का जन्म ही भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने के लिए हुआ। तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आज उन्हें अपनी विरासत दिखाने में शर्म आ रही है। आरजेडी का जन्म कैसे हुआ था, संजय भाई भी बैठे हुए हैं, पुराने साथी हैं एक आंदोलन के। आरजेडी का जन्म ही नेता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए हुआ था, याद है ना? उस समय के मुख्यमंत्री जनता दल के मुख्यमंत्री थे, और जब एक बड़े घोटाले में जिसमें कुछ मेरी भी भूमिका थी एक वकील के रूप में, जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और उनकी पार्टी की ओर से दबाव पड़ा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो आरजेडी बनाई गई। द वेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वॉज बॉर्न टू सेव समवन द लीडर फ्रॉम करप्शन। ये तो उनका अतीत है। और चलते हैं बिहार के भविष्य की बात करने। इसीलिए जब भविष्य की बात की जाती है तो आज बहुत जरूरी है कि इसको रखा जाए। अंग्रेजों के बनाए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में बदलाव की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को एक पत्र लिखा है। केजरीवाल ने बताया कि आखिर कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट नए कॉलेज खोलने में बाधा बन रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था 1922 में। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसी के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी उस टाइम। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली में कोई भी कॉलेज, नया कॉलेज खुलेगा, वो केवल और केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो सकता है और किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट नहीं हो सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पिछले 30 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खोला है, कोई नए कॉलेज की एफिलिएशन पिछले 30 साल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है, क्योंकि ऑलरेडी कैपेसिटी भर चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की और नहीं कर सकते वो लोग। तो और नई यूनिवर्सिटी खुल नहीं सकती दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट की सेक्शन 5 विद इन ब्रैकेट 2 में लिखा है कि कोई भी
नया कॉलेज खुलेगा तो केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होगा, तो कोई भी नई एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती। आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी को चिट्ठी लिखी है अभी थोड़ी देर पहले, उनसे विनती की है दिल्ली के लोगों की तरफ से कि आप इस कानून में सेक्शन 5(2) जो है इसको डिलीट किया जाए ताकि दिल्ली के अंदर हम नए कॉलेज खोल सकें, नई यूनिवर्सिटी खोल सकें। हम भी खोलेंगे, केंद्र सरकार भी खोलेगी। भारतीय रेलवे ने बीते रविवार को ये ऐलान किया था कि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त एसी कोच लगाने पर विचार किया जा रहा है। इस घोषणा के बाद ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि इन ट्रेनों से स्लीपर कोच हटा दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर रेलवे की काफी आलोचना की, लेकिन शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि ट्रेनों में स्लीपर क्लास जारी रहेगा। हम ट्रेनों की गति बढ़ा रहे हैं और रेलवे का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसी ट्रेवल अफोर्ड कर सकें। इसके लिए एक रेलवे ने नया कोच, उसका प्रोटोटाइप डेवलप किया है जिसका जो यात्रा किराया होगा वो एसी 3 टायर से भी कम होगा। जहाँ तक ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास की बात है वो वैसे चलते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सर, इसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर या कुछ ट्रेनों को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर भी जो एसी कोचेस हैं वो लगाए जाएंगे? जब ट्रेनों की गति बढ़ती है और 130 किलोमीटर या 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर ट्रेनें चलती हैं तो उस समय थोड़ी सी स्लीपर क्लास में विंड और डस्ट का इशू आता है। 130 किलोमीटर तक स्लीपर क्लास चलाने में कोई दिक्कत नहीं है और हर सेक्शन में ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो स्लीपर क्लास के कोचेज हैं वो कम ना किए जाएं और जो भी कोई एडिशनल ट्रेन चलाते हैं, जिस तरह से नेटवर्क कैपेसिटी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई एसी 3 टायर का इस तरह का कोच लगाएं जिसमें कि लोग उसमें अफोर्ड कर पाएं, वो रेलवे का एक प्रयास है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वो पीड़ित लड़की से राखी बंधवाए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 9 महिला वकीलों ने चुनौती दी है और कहा है कि ये फैसला कानून के सिद्धांत के खिलाफ है। इन 9 महिला वकीलों ने गुहार लगाई है कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। दरअसल 30 जुलाई के आदेश में हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि वो अपनी पत्नी के साथ पीड़ित लड़की के घर जाए और आग्रह करे कि वो राखी बंधवाना चाहता है और वादा करता है कि वो उसकी रक्षा हमेशा करता रहेगा। महिला वकीलों का कहना है कि इस तरह की शर्त लगाकर पीड़ित लड़की को पहुंचे मानसिक आघात को महत्वहीन बनाया जा रहा है। ऐसी शर्त कानून के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या ये दलील मध्यप्रदेश को लेकर है या पूरे देश को लेकर। तब वकीलों ने कहा कि वो अपनी दलील पूरे देश को लेकर दे रही हैं और गुहार लगाती हैं कि देश भर की अदालतों को इस तरह की शर्त लगाने से रोका जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस को नोटिस जारी किया और उन्हें इस मामले में सहयोग करने को कहा। अगली सुनवाई 2 नवम्बर को होगी।